फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स फुल स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से बन के आता फ्रेंड्स है। छह रो का डिज़ाइन है ये। आगे ये इस तरह से बनेगा और बैक साइड इसका इस तरह से बन के आएगा। आइए सीखते हैं। फर्स्ट रो शुरू करते हैं डिज़ाइन की। ऐसा फंदा है, इसको हमने बना लेना है। आप निकाल भी सकते हैं, इधर मैं बना ले रही हूँ। दो फंदा उल्टा, एक दो धागा आगे की तरफ रखेंगे। चार फंदा सीधा, एक ये तीसरा फंदा, एक दो तीन ये चौथा फंदा, धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, धागा आगे की तरफ, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, धागा अपनी तरफ रखेंगे, दो फंदा उल्टा बना लेंगे, एक दो धागा आगे की तरफ, एक फंदा सीधा बना लेंगे। फर्स्ट रो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो राउंड साइड उल्टा, साइड वाला फंदा उल्टा, इसको हमने उल्टा ही बना लेना है। दो फंदा सीधा बना लेंगे बैक साइड से, धागा अपनी तरफ रखेंगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा आगे की तरफ रखेंगे, दो फंदा सीधा बना लेंगे, एक दो धागा अपनी तरफ, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा आगे की तरफ रखेंगे, दो फंदा सीधा बना लेंगे। साइड वाला फंदा है, इसको हमने उल्टा बना लेना है। सेकंड रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चार रो तक हमने ये रिपीट करना है। पहला वाला फंदा सीधा बना लेंगे, दो फंदा उल्टा बना लेंगे, एक दो धागा आगे की तरफ रखेंगे, चार फंदा सीधा बना लेंगे, एक दो तीन चार, धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, साइड वाला फंदा इसको हमने सीधा बना लेना है। थर्ड रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो राउंड साइड, दो फंदा सीधा, एक दो चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा आगे की तरफ रखेंगे, दो फंदा सीधा बना लेंगे, एक दो धागा अपनी तरफ, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, धागा आगे की तरफ रखेंगे, दो फंदा सीधा, एक दो धागा अपनी तरफ रखेंगे, साइड वाला फंदा उल्टा बना लेंगे। फोर्थ रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है डिज़ाइन की। फिफ्थ रो सीधा फंदा सीधा बना लेंगे। उल्टा फंदा दिख रहा है, इसको हमने उल्टा फंदा ही बना लेना है। धागा आगे की तरफ रखेंगे। अब क्या करना है, सेकंड वाला फंदा पहले हमने सीधे हाथ की सिलाई से सीधे हाथ की सिलाई में रखेंगे, और जो ये फर्स्ट वाला फंदा है इसको हमने अंदर की तरफ ले लेना है, और इस फंदे को भी सीधे उल्टे हाथ की सिलाई में रख के इसको सीधा बना लेना है। इस तरह से इसको दो फंदे सीधा बना लेंगे। पर इधर हमने क्या करना है, इस फंदे को अंदर की तरफ रखना है और इस फंदे को हमने बाहर की तरफ रखना है। तो सीधे हाथ की सिलाई से चौथे वाला फंदा हमने अंदर की तरफ रख के सीधा बना लेना है और इस फंदे को भी सीधा बना लेना है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, दो फंदा उल्टा, धागा आगे की तरफ, पहले हमने सेकंड वाला फंदा सीधे हाथ की सिलाई में रखना है, फिर उल्टे हाथ की सिलाई में इस फंदे को इस तरह से लेके सीधा फंदा सीधा बना लेंगे और इस फंदे को भी सीधा बना लेना है। फिर इस फंदे को अंदर की तरफ रखना है और इस फंदे को हमने
पीछे की तरफ से लेना है। पहले हम ये फंदा ले लेंगे, फिर सीधे हाथ की सिलाई से इस फंदे को अंदर की तरफ रख लेंगे और इन दोनों फंदों का सीधा सीधा बना लेंगे। इन दोनों फंदों को धागा अपनी तरफ रखेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, साइड वाला फंदा है इसको हमने सीधा बना लेना है। फिफ्थ रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स रो रॉन्ग साइड, जो फंदा जैसा दिखता है उसको हमने वैसे ही बना लेना है। सीधा में हम सीधा बना लेंगे, दो फंदा सीधा, एक दो, धागा अपनी तरफ रखेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, एक दो, धागा अपनी तरफ, एक दो तीन चार फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, एक दो, धागा अपनी तरफ रखेंगे, साइड वाला फंदा इसको हमने उल्टा बना लेना है। इस तरह से बन जाएगा फ्रेंड्स। से अब हमें क्या करना है, ये जो दो फंदे हैं सेंटर वाले, इन दोनों फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। इधर हम चार फंदा सीधा बना लेंगे, एक दो तीन चार, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा आगे की तरफ रखेंगे, एक दो तीन चार, धागा अपनी तरफ रखेंगे, दो फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा आगे की तरफ रखेंगे, चार फंदा सीधा बना लेंगे। इसी तरह हमने छह रो कंप्लीट करनी है। छह रो का डिजाइन है फ्रेंड्स, इन्हीं छह रो को हम बार बार रिपीट करेंगे। ये पूरा बन के इस तरह से आएगा। आप इसको चेन फुल स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं इस डिजाइन को। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।